मेरे देश का दुलारा है, मेरा पोता है, नाती है, सब कुछ है। छोट बचपन से हम लोग पाले पोसे हैं, बड़ा किए हैं, बहुत गर्व है। हम लोग फूले नहीं समा रहे हैं, पूरे देशवासियों का बच्चा है वो। बहुत नाम कमाया, बहुत नाम कमाया, और बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, जितना अच्छा लग रहा कह नहीं सकते हैं। जब आप लोगों ने देखा तो सिंह जीत गए हैं, तो बहुत तरीके से सेलिब्रेट किया, बहुत सेलिब्रेट के नाच के गा के धूम मचा के किए, ताली बजा के किए, पूरे मोहल्ले ने जलूस निकाला, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, यही सब सब लोग कहते गए। पूरे मोहल्ले को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अच्छा, आप यहाँ पे रह रही हैं, आपने बचपन में ऋषि सिंह को देखा होगा, बचपन से बचपन की कोई ऐसी चीज बताइए जो क्या आपको लगता था कि कभी ऋषि सिंह। हम लोग को तो यही लगता ऋषि सिंह का, ये इसको राम नाम में इसका बहुत मन था, गाना भजन कीर्तन में इसका शुरू से ही लग था कि मतलब इसी गाने बजाने में ही जाएगा, सबका यही। पूत के पाँव पालने में दिखने लगे, हाँ, पूत के पाँव पालने में दिखने लगे राम लला के, जय श्री राम। आइडल 13 के विजेता बने हैं, आप उनके पड़ोसी हैं, कैसी अनुभूति हो रही है, क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम लोगों के परिवार का वो सबसे जिम्मेदार बेटा है और उसने बहुत संघर्ष किया है भगवान राम और हनुमान जी की कृपा से और उनकी प्रेरणा से। उसके अंदर एक नया रक्त का संचार हुआ जो पूरे देश में नवयुवकों के लिए, नौजवानों के लिए एक वो आइडियल बन करके उभरा है, जिससे गरीब परिवार का बच्चा, गरीब परिवार का लड़का भी सपना देख सकता है, जो साकार होते हुए उसने साबित करके दिया है भगवान राम की धरती से वो लाल जा करके पूरे देश में और विश्व के पटल पर अपनी एक पहचान छोड़ा है। ऐसे ही लड़के को हम लोग पूरा मोहल्ला बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अयोध्या का लाल पूरे विश्व के पटल पर अपना विजय का पताका फहराता रहे, हम लोग उसको बधाई देना चाहते हैं। कैसे आप लोग सेलिब्रेट किए हैं, क्या रात भर इस मोहल्ले में खुशी का ठिकाना नहीं था और रात भर लोगों ने जश्न मनाया और सब लोग अपने आप को ऋषि सिंह समझ करके, अपने आप को जोड़ करके उस परिवार के सदस्य के रूप में अपने आप को ऋषि सिंह मान रहे हैं, इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। मैं ऋषि सिंह को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं उसको आज के युवाओं का प्रेरणा स्रोत मानता हूँ कि जिससे आने वाले समय में हमारे अयोध्या वासियों के जो तमाम संगीत से जुड़े हुए बच्चे हैं, जिनको कभी आज तक कोई मुकाम नहीं मिला, जिनको कोई टैलेंट की कोई जगह नहीं मिलती थी, पर आज हमें लगता है कि इस माध्यम से ऐसे तमाम बच्चे अब निकल के देश में और विदेशों में हमारा नाम करेंगे और उनके उत्साहवर्धन के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन के आ रहा है ऋषि सिंह। जिस दिन वो आएगा उस दिन इस अयोध्या में इतना भव्य आयोजन किया जाएगा कि लोग देखेंगे, और इसके लिए मैं उनके माता पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने उसको उसके इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग किया और दिन रात एक किए, उसको ले जाते रहे सारे ऑडिशन में, उस कई बार उस वो ऑडिशन में गया है,
और उसने अपनी हार नहीं मानी, इसी भी वजह से आज वो इतना बड़ा आइडल जीत के आ रहा है। ये हमारे अयोध्या वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, जिसके लिए हम सब भी जो है आज मोहल्लावासी इतने खुश हैं कि आपसे क्या बताएं। कल रात भर हम लोग नाच गा के पटाखा दगा के पूरे मोहल्ले के लोग एकदम गर्वान महसूस करते हुए खूब रात के 2 बजे तक हम लोग जो है इस जश्न में डूबे हुए थे कि इस तरीके से आज हमारे मोहल्ले का नाम रोशन हुआ। अयोध्या का ऋषि सिंह ने वाहेगुरु की बख्शिश से पूरे भारत में, पूरे अयोध्या में नाम कमाया है। वाहेगुरु का आशीर्वाद मिला है, जिसके परिवार ने ख्वासपुरे गुरुद्वारे की दिन रात सेवा की है, दिन रात उसकी देखभाल की है, उसी का आज प्रणाम है कि उनका बेटा इस मुकाम तक पहुंचा हुआ है। जो भी गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़ेगा, सेवा करेगा या रब से जुड़ेगा, अपने अपने गुरु से जुड़ेगा, वो उतने ही स्थान पे पहुंचेगा जहां आज ये ऋषि सिंह पहुंचा हुआ है। वाहेगुरु करे और तरक्की दे और नाम ऊंचा करे। पूरे अयोध्या का नाम इसने ऊंचा किया है। इसी तरीके बख्शिश बनी रहे और वाहेगुरु उस पे सिर पे मेर पर हाथ रखे रहे। आपके किस तरीके से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है मोहल्ले में? आपके घर का लड़का इतना नाम कमाया है इंडियन आइडल 13 में, ये गर्व की बात है, क्या कहेंगे इसका? पहले तो उसको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं कि वो भविष्य में ऐसे ही नए आयाम स्थापित करता रहे। क्षेत्र के लोग, फैजाबाद अयोध्या के जनपदवासी हर्ष से फूले नहीं समा रहे हैं। उनकी इस जीत पर पूरा क्षेत्र, मोहल्ला, जिले के प्रत्येक व्यक्ति उसकी इस उपलब्धि से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम लोग भी उसी क्रम में एक अपने क्षेत्र में पटाखे और तमाम तरीके के बैनर स्लोगन से उसका उत्साहवर्धन किए और हम लोग भी काफ़ी खुश हैं उसकी इस उपलब्धि से कि हमारे फैजाबाद अयोध्या जनपद से कोई इस क्षेत्र में इस मुकाम पर पहुंचा कि जिसको पूरा देश देखा, जाना कि अयोध्या में भी इस तरीके का टैलेंट है।